नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिष्णु। आप देख रहे हैं बिष्णु टेक्निकल टिप्स। आज हम जानेंगे कि कैसे आप जियो फोन को रिचार्ज कर सकते हैं। अक्सर हम जियो फोन का रिचार्ज फोन पे, पेटीएम या गूगल पे ऐप से कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जियो फोन का रिचार्ज कैसे करें, तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाएं। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको जियो फोन रिचार्ज सर्च कर देते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहली साइट होगी www.jio.com और यहाँ ये जो आ रहा है इस पर दबाएं। अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पॉपुलर प्लान, टॉप अप प्लान, जियो प्लान। तो यहाँ आपको जियो फोन पर क्लिक करना है और जियो फोन पर क्लिक करने के बाद आपको 28 डेज के कई रिचार्ज दे रखे हैं, जिसमें 3GB नेट मिलता है, इसमें 14GB मिलता है 28 दिन के लिए, इसमें 28GB मिलता है, इसमें 56GB मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जैसे 75 वाला रिचार्ज करना है, और भी कर सकते हैं, नीचे और ऑप्शन दे रखे हैं 153 का, शॉर्टर वैलिडिटी प्लान भी दे रखा है। तो जैसे 75 का करना है, 75 पर क्लिक करके और बाई पे दबाना है। बाई पर दबाने के बाद ये ऑटोमेटिक घूमेगा। घूमने के बाद आपको यहाँ अपना नंबर टाइप करना है। ठीक है, नंबर टाइप करके और सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा जो ऑटोमेटिक ही आगे जाएगा, नहीं जाता तो फिर आप दोबारा से सेलेक्ट कर लें उसमें। और यहाँ आपको पेमेंट मोड दिए हुए होते हैं बहुत से, आप किसी भी पेमेंट मोड से कर सकते हैं। अगर आपके ये लिंक हैं तो इनसे कर सकते हैं, जियो मनी से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं। अगर इनसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एसबीआई है इसमें ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इससे भी नहीं करना है और डायरेक्ट यूपीआई आईडी से करना है, तो यूपीआई आईडी से करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करें। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी यूपीआई आईडी डालनी होती है। यूपीआई आईडी वो होती है, जैसे एसबीआई के लिए @sbi होता है, मोबाइल नंबर के लिए जैसे आप कोई भी जैसे फोन पे यूज कर रहे हैं तो फोन पे की वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है मोबाइल नंबर @bybl। मोबाइल नंबर में यह टाइप नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ bybl, आगे मोबाइल नंबर लिख दें और @bybl लिख दें। इससे क्या होगा कि अगर आपका फोन पे उस नंबर से बना होगा तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वहां से आपको पे कर देना है और मेक पेमेंट पर दबा देना है। तो ऐसा करने के बाद जब आप पेमेंट वहां से कर दोगे, आप अपने फोन पे से पेमेंट कर दोगे, तो वो सक्सेस हो जाएगा। इस तरह आप अपना जियो फोन का रिचार्ज कर सकते हैं घर बैठे, किसी भी रिटेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं आपके ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए उस घंटे बटन को। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।